अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा बेसिकली टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बेसिकली आपके पास क्या है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। ठीक हो गया। बेसिकली दैट दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। चार्ट्स बेसिकली आपके पास एक बहुत हेल्पफुल होते हैं डेटा को एक्सप्लेन करने में और रिप्रेजेंट करने में, बिकॉज यू कैन गेट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट चार्ट ईजीली। ठीक हो गया। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ईजी हो जाती है जब डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और एनी काइंड ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। हम जो मोस्ट कॉमनली चार्ट यूज करते हैं उसे हम कॉलम चार्ट बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अपना हमारे पास जो बेसिकली ये डेटा है, इस डेटा को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने चार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। कि अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना ओवरऑल, ठीक है, डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। ये मेरे पास डेटा यहाँ पर गिवन है। इसके बाद मैं इंसर्ट की टैब में जाऊँगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट का ग्रुप है। ठीक है। इस चार्ट के ग्रुप में आप क्या करोगे कि आपके पास ये कॉलम चार्ट है। ठीक है। कॉलम चार्ट को आप क्लिक करोगे। ठीक हो गया। और आप इसमें से कोई भी अपनी मर्जी का कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको कर लें, जिस मर्जी को आप सिलेक्ट करके अपने डाटा को रिप्रेजेंट करा सकते हो। हमने क्लस्टर्ड कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास आपके चार्ट की एग्जाम्पल आ गई कि इन द फॉर्म ऑफ चार्ट पिक्टोरियल फॉर्म में आपके पास डाटा को सारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके पास चार्ट आ गया। अब चार्ट के आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरह की फॉर्मेशन कर सकते हो, डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या है कि ये प्री डिफाइंड चार्ट है, आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आपके पास ऊपर बेसिकली जो आ रहा है, ठीक हो गया, ये आपके पास चार्ट डिज़ाइन टैब आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप यूज़ करके डिफरेंट तरह की इसकी फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्विक लेआउट है, क्विक लेआउट में भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरह की अपनी मर्जी से चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को आप अपने रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ चार्ट को प्रिंट आउट करना चाह रहे हो कि आपके पास ये बाकी डेटा प्रिंट ना हो लेकिन सिर्फ चार्ट प्रिंट हो, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ अपने चार्ट को सिलेक्ट करना है और प्रिंट की कमांड दे देनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये प्रिंट होगा तो सिर्फ चार्ट हमारा प्रिंट होगा, ओवरऑल डेटा प्रिंट नहीं होगा। दूसरी भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अगर हम कंट्रोल पी की कमांड देते हैं विदाउट सिलेक्टिंग आर चार्ट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वो ओवरऑल चार्ट को इंक्लूड करके सारा डाटा शो कर रहा है। अब इसी तरह चार्ट, अब जिस हमारे पास ये चार्ट गिवन है, इसमें लिखा आ रहा है चार्ट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास हेल्पफुल नहीं, हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा कि बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड डेटा है। तो आप अपने डेटा को डिफरेंटली तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चार्ट टाइटल है, ठीक हो गया, तो इसको आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपने चार्ट का टाइटल ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हाफ ईयरली सेल। ठीक है। ये बेसिकली हमने चार्ट का टाइटल दे दिया। इसी तरह ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है। मार्क्स भी हो सकते हैं, प्राइस भी हो सकती है, क्या चीज़ है हमें ये नहीं पता। तो ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक्सेस टाइटल है, हमने पहले क्या लिखा प्राइमरी। ठीक है। यहाँ पर गया एक्स टाइटल हमने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मंथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जनवरी फरवरी मार्च आपके पास बेसिकली मंथ के नेम्स हैं। ठीक है। इसी तरह ऐड चार्ट एलिमेंट में गए, एक्सेस टाइटल में गए। ठीक हो गया। अब हमने प्राइमरी, ठीक हो गया, वर्टिकल भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर सोल्ड। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या दे दिया, इसको एक एक्सेस को टाइटल दे दिया। ठीक है। तो डिफरेंट तरह से आप अपने डेटा को फॉर्मेट
कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मोर आपके पास एक्सेस के टाइटल ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग आप अपने चार्ट पे कर सकते हो।